वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित, जिन्होंने अभिनेत्री होने के साथ साथ बतौर सिंगर भी दर्शकों का खूब दिल जीता है। इन्होंने अपने अभिनय का भी खूब रंग बिखेरा है। जहां कभी ये सलाखे फिल्म में गुड्डी के किरदार में नजर आई, तो कभी अपनापन फिल्म में राधिका शर्मा के किरदार में, जिनके इन किरदारों को दर्शकों द्वारा बेहद ही पसंद किया गया। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? नहीं ना? कोई बात नहीं दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको सुलक्षणा पंडित के बच्चों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। अगर बात की जाए इनके करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। आपको बता दें कि सुलक्षणा पंडित एक सिंगर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस वजह से उन्होंने महज 9 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता, उलझन, थोड़ी सी बेवफाई और चलते चलते जैसी फिल्मों के नाम शुमार है। आपको बता दें कि इन्होंने कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस भी काम किया है, जिनमें उलझन, सलाखे, फांसी और अपनापन जैसी बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार है। 80 के दशक में सुलक्षणा की फिल्मों ने दर्शकों द्वारा खूब सराहना हासिल की थी, तभी तो आज सुलक्षणा पंडित किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब सुलक्षणा पंडित के दिल की धड़कन बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार हुआ करते थे, जिन पर सुलक्षणा पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठी थी। बता दें कि सुलक्षणा संजीव कुमार को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन अभिनेता संजीव कुमार ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हालांकि संजीव ने सुलक्षणा को खूब समझाने की कोशिश की थी कि वो उन्हें भूल जाए, लेकिन सुलक्षणा उन्हें भूल ना सकी। वो चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले, लेकिन संजीव कुमार सुलक्षणा के साथ सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहते थे। साल 1985 में संजीव कुमार की 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुलक्षणा पंडित कभी किसी और को अपना दिल ना दे सकी। यही वजह है कि सुलक्षणा पंडित आज भी सिंगल हैं और इनकी कोई संतान है ही नहीं। आपको बता दें कि इन दिनों सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहती हैं, और उनकी आज की तस्वीरों को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो वही सुलक्षणा पंडित हैं जो पहले अपनी कातिलाना अदाओं से सभी को दीवाना बना देती थी। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप उस फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।